आदित्यवर्णं तमसा परस्ताव तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय ओम राम सबसे बड़ा इससे बड़ा न कोई जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो शुद्ध आत्मा हो ईश्वर ने सुबह और शाम लिया कर सदा मस्ती में जिया कर हो ईश्वर ने हाँ ईश्वर ने रिश्तों नातों पे बंदे करे क्यों गर्व है रिश्ते नातों पे बंदे करे क्यों गर्व है तभी तक है साथी जब तक कोई गरज है तभी तक है साथी तेरे तभी तक गरज है जाना गवाए जाना गवाए जाना गवाए तेरे कारण रे कर सदा मस्ती में जिया कर सुबह और शाम लिया कर हो ईश्वर ने बिना मुक्ति के जीव जग में भटकता बिना मुक्ति के जीव जग में भटकता एक योनी से दूजी योनी बदलता एक योनी से दूजी योनी बदलता सुख दुख पाए यहाँ सुख दुख पाए सुख दुख पाए यहाँ जो भी है तेरे कारण रे प्राणी अज्ञानी प्रभु का नाम लिया कर सुबह और शाम लिया कर सदा मस्ती में जिया कर हो ईश्वर ने हाय ईश्वर ने शुद्ध ओम सोम रस से मन को बनाना शुद्ध ओम रस से तू मन को बनाना जग रूपी भव से तुझको पार है जाना जग रूपी भव से तुझको पार है जाना मांझी रे हाँ मांझी रे तेरी नाव न डूबे तेरे कारण रे प्राणी अज्ञानी प्रभु का नाम लिया कर सुबह और शाम लिया कर सदा मस्ती में जिया कर हो ईश्वर ने संसार रचाया तेरे कारण रे प्राणी
जाकर। दुराचार पापों की दूर गंदगी कर, दुराचार पापों की कर गंदगी को, जीवन समर्पित कर दे प्रभुगी को, जीवन समर्पित कर दे प्रभु बंदगी को। कोई दुखी ना हो, हाँ कोई दुखी ना हो, जग में तेरे कारण रे प्राणी अज्ञानी, प्रभु का नाम लिया कर, सदा मस्ती में जिया कर, सुबह और शाम लिया कर। हो ईश्वर ने, हाँ ईश्वर ने प्रभु सा सरीखा, जग में कोई और नहीं है, प्रभु सा सरीखा कोई सखा भी नहीं है। भौतिक सुखों में कुछ भी रखा ही नहीं है, भौतिक सुखों में कुछ भी रखा ही नहीं है। वेदों की झूम मचे, वेदों की धूम मचे, वेदों की धूम मचे, जग में तेरे कारण रे प्राणी अज्ञानी, प्रभु का नाम लिया कर, सुबह और शाम लिया कर, सदा मस्ती में जिया कर। हो ईश्वर ने, हाँ ईश्वर ने संसार रचाया तेरे कारण रे प्राणी अज्ञानी, प्रभु का नाम लिया कर, सदा मस्ती में जिया कर, सुबह और शाम लिया कर, प्रभु का नाम लिया कर, प्रभु का नाम लिया कर। ओम 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 ओम। कमर सीधी करके बैठें, मूलाधार चक्र को ऊपर को खींचेंगे, लंबा और गहरा सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। संपूर्ण इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त सब श्वास में सम्मिलित कर दीजिए अपने। अमृतम मथेदम भस्मांतकम् शरीरम्। ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर, श्वास श्वास में ओम जप, वृथा श्वास ना खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो इन हो, विष का विषधर जब डसे ओम जड़ी चबा, है नाग दमन यह औषधि बाहर ढूंढन न जा, है नाग दमन यह औषधि बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति शांति शांति। वेद मंत्र के अर्थ को बोलते हुए प्रभु की कृपा को अनुभव करें। ओम हे सर्व रक्षक परमात्मा,
वायु यह जीवात्मा अनिलम अशरीरी अमृतम अमर है, अथ और इदम शरीरम यह शरीर भस्मांतगम नष्ट होने वाला है। हे कृतो हे कर्मशील जीवात्मा ओम स्मर, ओम का स्मरण कर, क्लिवे स्मर अपने सामर्थ्य को बढ़ा, कृतम स्मर अपने किए हुए कर्मों को याद कर, प्रभु का नाम लिया कर सुबह शाम। आपने चिंतन किया, अभी बड़ा सुंदर भजन सुना आपने, परंतु नाम को स्मरण करने से पहले ज्ञान का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नाम तो सभी लेते हैं, केवल आप ही नहीं लेते हैं, सब लेते हैं। खुदा कोई कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, सब लोग अपने अपने मजहब अपने अपने पंथ में नाम लेते हैं। मगर वेद कह रहे हैं नाम को लेने से पहले नाम का ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान के बिना संसार में कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब अशुद्ध ही अशुद्ध है। आप परमात्मा की बात छोड़ दिए, संसार में अगर आपको जानकारी नहीं है तो संसार में भी काम नहीं चलेगा। गूगल लेने जाइए, असली गूगल की पहचान नहीं है तो नकली पकड़ा देगा, रेट वही होगा और गूगल नकली होगा। तो हर क्षेत्र में ज्ञान होना जरूरी है, ईश्वर के विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। तो ईश्वर को या संसार के किसी भी पदार्थ को जानने का जो पैमाना है, जो मीटर है, उसके तीन सूत्र हैं। नंबर एक गुण, नंबर दो कर्म, नंबर तीन स्वभाव। गुण, कर्म और स्वभाव को अगर जान करके आप ईश्वर को स्मरण करते हैं, संसार के साथ व्यवहार करते हैं, तो सफलता आपके चरण चूम लेगी। यदि पदार्थ के गुण कर्म स्वभाव को आप नहीं जान रहे हैं, जैसे छोटा सा बालक है, एक साल का बच्चा है, उसके आगे जलता हुआ दीपक रख दो, पकड़ने चले जाएगा, तब आप कहते नहीं 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 नहीं, हाथ जल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बच्चा नहीं जानता है कोई भी चीज हो। तो आओ, पहला बिंदु है गुण क्या है। अब ध्यान से सुनना इसको, एक नए चिंतन के साथ। गुण उसे कहते हैं जो बाहर से लिया जाता है। क्या कहा? जो बाहर से लिया जाता है उसे गुण कहते हैं। अब कैसे, तो उसको उदाहरण से समझना पड़ेगा, तभी समझ में आता है। अगर उदाहरण नहीं दिया जाए तो बात समझ में नहीं आती है। कहते हैं जैसे दिसंबर का महीना है, ठंड पड़ रही है और पानी भी ठंडा है, और आपको नहाना है और डॉक्टर ने कहा है कि ठंडे पानी से मत नहाना, तब आप क्या करेंगे? ठंडे पानी को गर्म करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ठंडे पानी में दूसरे का गुण मिलाया। किसका गुण मिलाया? अग्नि का। गर्मी कहाँ होती है? अग्नि में होती है। आपने अग्नि के गुण को पानी को दिया और पानी क्या हो गया? इसका मतलब हमने गुण बाहर से, अब समझ में आ गया। जैसे कहते हैं एक आदमी बड़ा दुर्गुणी है, एक आदमी बड़ा सद्गुणी है, इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी में न तो दुर्गुण है न सद्गुण है, वो दोनों गुणों को बाहर से लेता है, जैसी संगति उसको मिलती है वैसे वैसे गुणों को लेता है। हम माँ से गुण लेते हैं, पिता से गुण लेते हैं, आचार्य से गुण लेते हैं, और अंत में वेद कहता है कि परमात्मा से भी गुणों को लो, क्योंकि कुछ गुण ऐसे हैं जो न माता से मिलेगा, न पिता से मिलेगा, न आचार्य से मिलेगा, वो परमात्मा से ही मिलेगा।
तो पता क्या लगा, गुण जो होते हैं वो बाहर से लिए जाते हैं। जैसे जल का अपना गुण था, जल शीतल था, उसको जब हमको गर्म करना है तो हमको कहीं न कहीं से वह गुण लाना पड़ेगा। तो जो उष्णता का गुण है, गर्मी का गुण है, वो अग्नि में है, हम अग्नि से उधार लाए और हमने जल को क्या किया, गर्म किया, और उधार लौटाना भी पड़ता है। अगर नहीं लौटाओगे तो एक बार अपने आप खत्म हो जाएगा। जल जैसे ही अग्नि से संपर्क उसका हटेगा तो धीरे धीरे फिर जल क्या होने लगेगा, फिर जल ठंडा हो जाएगा, जल फिर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जल का वह गुण है नहीं, उसको बाहर से। अब यहां पर एक चीज और देखनी है कि गुण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वाभाविक गुण और एक होता है नैमित्तिक गुण। स्वाभाविक गुण उसे कहते हैं जो उसमें विद्यमान होता है। जैसे जल का स्वाभाविक गुण क्या है, शीतलता, ठीक है नहीं। अब नैमित्तिक गुण कहां से लाए हम, अग्नि से लाए, अग्नि के द्वारा, अग्नि से हम नैमित्तिक गुण लाए, जल में डाल दिया। तो ये समझ में आया कि गुण उसे कहते हैं जो बाहर से लिए जाते हैं, नैमित्तिक गुण। स्वाभाविक गुण अपने होते हैं। तो पदार्थ में दो प्रकार के गुण हैं, एक उसका स्वाभाविक गुण है, दूसरा उसका नैमित्तिक गुण है, ठीक है। जैसे जीवात्मा मेरा स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक गुण क्या है मेरा, जीवात्मा। लेकिन मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, प्रोफेसर हूँ, राष्ट्रपति हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, ये कौन सा गुण है, ये नैमित्तिक गुण है, ये स्वाभाविक गुण नहीं है। मैं व्यापारी हूँ, नैमित्तिक गुण है। ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, लाल हूँ, पीला हूँ, लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, मोटा हूँ, दुबला हूँ, पतला हूँ, ये सारे कौन से गुण हैं, नैमित्तिक गुण हैं, जो पुरुषार्थ से भी प्राप्त होते हैं, कृपा से भी प्राप्त होते हैं। क्या कहा, पुरुषार्थ से और कृपा से, कुछ पुरुषार्थ से प्राप्त होते हैं, कुछ कृपा से। जैसे आनंद है, वो आनंद पुरुषार्थ से नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या चाहिए, कृपा चाहिए। हाँ, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तक जाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान के बाद समाधि में आप नहीं जा सकते, समाधि में भगवान की कृपा से आप जाएंगे। ध्यान तक तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ध्यान भी नहीं करेंगे कृपा हो जाएगी, कहें जाओ फिर कृपालु महाराज के पास आप जाओ, वो एक कृपा करने वाले चले गए ना, वो एक आते थे वो निर्मल बाबा। अब देखो वो बेचारे भगवान की कृपा के पीछे परेशान हैं, सब पर उन्होंने कृपा की, अब उन पर भगवान की कृपा नहीं हो रही है, इसलिए परेशान है, नाम मिट गया दुनिया से। जो जल्दी उठते हैं वो जल्दी गिरते हैं, इसलिए धीरे धीरे उठना चाहिए। शास्त्र कहता है विद्या धीरे धीरे प्राप्त करो, धन धीरे धीरे प्राप्त करो, भक्ति भी धीरे धीरे प्राप्त करो, जल्दी का काम शैतान का, तो शैतानी नहीं होनी चाहिए। जो लोग शैतानी करते हैं सब चले गए जेलों के अंदर। तो इसलिए गुण समझ में आ गया ना, पदार्थ में दो प्रकार के गुण होते हैं, एक स्वाभाविक गुण होता है और एक अगला दूसरा है कर्म। गुण के बाद नंबर आता है कर्म का। कर्म किसे कहते हैं, साधारण तो लोग सोचते होंगे क्रिया करने का नाम ही कर्म है, कुछ न कुछ करने का नाम कर्म है, कहते हैं नहीं, कुछ न कुछ करने का नाम कर्म नहीं है। कर्म का मतलब है मन, वाणी और शरीर से जो चेष्टा, जैसे आप मेरी बात को सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, मन से, वाणी से और शरीर से जो पुरुषार्थ, जो प्रयत्न किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अब एक बार मेरे साथ बोलिए, मन, वाणी, कर्म से जो प्रयत्न विशेष किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। ये परिभाषा है कर्म की, सही सही परिभाषा, ठीक है। अब इस परिभाषा के आधार पर क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ये तो कुछ काम नहीं करता, आलसी है, ये परिभाषा गलत हो गई, क्योंकि आलस भी एक कर्म है। क्या है, सबके बस का नहीं है, वो भी एक कर्म है। आलस रूपी कर्म होता है तमोगुण के प्रभाव होने से। किसके प्रभाव होने से,
जब तमोगुण हावी हो जाएगा तो आदमी आलस करेगा। तमोगुण का काम है लिटाना, सुलाना, आराम कराना। रजोगुण का काम है दौड़ाना। रजोगुण क्या करता है? दौड़ाता है घर से यहाँ, यहाँ से घर, घर से यहाँ, यहाँ से घर। ये कौन कर रहा है? रजोगुण कर रहा है। और सतोगुण का काम है जगाना। क्या है? जगाना। यो जागा रह तम ऋचम कामयंती। सामवेद के ऋषि कहते हैं जो जागता है उसी को ऋचाएं अपना अर्थ बताती हैं। ये सोने वाले को नहीं, दौड़ने वाले को नहीं, जागने वालों को। बोले हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में एक महात्मा थे आर्य समाज के, बड़े दीवाने थे। तो वो आर्य समाज के नियम आगे भी लटका लेते थे और आर्य समाज के नियम पीछे, पांच नियम आगे, पांच नियम पीछे, एक गले में माला बना करके टिन में लिखा करके दोनों ओर, पांच नियम इधर, पांच नियम इधर। और सवेरे सवेरे सड़क पर जाते थे और कहते थे 5000 साल से जगो, 5000 साल से सोने वालों जगो। ऐसे दीवाने लोग थे आर्य समाज में। आज किसी से कहो करो, कहेगा ये पागलपन कौन करेगा। लेकिन याद रखिए, इन्हीं बिगड़े हुए दिमागों में अमृत के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े हुए दिमागों में अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। धर्म में भी ये चीज आनी पड़ेगी। जिस दिन ये मस्ती आपके अंदर आ जाएगी तो प्रभु की कृपा हो जाएगी। तो इसलिए कर्म की परिभाषा भी आपने जान ली। पहला है गुण, दूसरा है कर्म और तीसरा है स्वभाव। स्वभाव का मतलब है कि अपनी प्रॉपर्टी, निज प्रॉपर्टी, जिस पर हमारा अपना अधिकार है, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, उसे स्वभाव कहते हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता, ताप, प्रकाश। इसे अग्नि से कोई छीन नहीं सकता। एक बोला जब लकड़ी में हम अग्नि, लकड़ी में जलती अग्नि पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगा। तो लकड़ी बुझेगी, आग थोड़ी बुझती है। क्या बुझी? आग नहीं बुझती है। लोगों ने आग बुझा दी उसने। अरे आग बुझने का, आग का तो स्वभाव ही है, लकड़ी बुझी है। लकड़ी से आग का संपर्क आपने अलग कर दिया, आग को थोड़ी नष्ट किया आपने। आपका आग का कनेक्शन अलग हुआ है। कनेक्शन होना अलग चीज है, उसका स्वभाव का होना अलग चीज है। अग्नि के स्वभाव को आप नष्ट नहीं कर सकते। जल का अपना स्वभाव है, उसे आप नष्ट नहीं कर सकते। आप गर्म कर सकते हैं उसको, लेकिन आप कहेंगे हम जल से गर्मी हटाएंगे ही नहीं, लगाए रहेंगे उसमें, तो क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, फिर जल बन जाएगा, फिर वो शीतल हो जाएगा। आपने उसको खोलाया 100 सेंटीग्रेड में, आसमान में गया, वहां से भाप बन के बिखरा, नीचे आया, फिर वो जल बन गया, फिर ठंडा है, क्योंकि जल का स्वभाव शीतलता है। तो जीवात्मा का क्या स्वभाव है? प्रयास कीजिए। सत और चित। क्या है ये? जीवात्मा का स्वभाव है, इसको हम बदल नहीं सकते। सत का मतलब क्या होता है? नहीं, सत का मतलब सत्ता, सत्ता, जीवात्मा की सत्ता। ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं थे, हम पहले थे और आज तो देख ही रहे हैं अपने आप को, और ऐसा नहीं होगा कि आगे नहीं रहेंगे, आगे भी रहेंगे। हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे कवर बदले जाएंगे, कवर, कभी हाथी का कवर, कभी घोड़े का कवर, कभी गधे का कवर, कभी इंसान का कवर, कभी देवताओं का कवर। और जिस दिन मोक्ष हो जाएगा उस दिन कवर छूट जाएगा। जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक कवर छूटने वाला, एक कवर बदले जाएंगे। तो जीवात्मा का स्वभाव है सत, यानी इसकी सत्ता हमेशा रहेगी। स्वभाव का मतलब क्या बताया? तो जो कभी बदलता नहीं है। दूसरा स्वभाव जीवात्मा क्या है? चित। चित का मतलब चैतन्यता, चेतनता। जीवात्मा जैसे सत्ता माइक की भी है, माइक है, ये लोहा है ना, लोहा, इसकी सत्ता है, मगर ये चेतन नहीं है। जीवात्मा चेतन है। कैसे पहचानेंगे जीवात्मा चेतन है? कि जिसमें तीन लक्षण हो। कितने लक्षण हो? तीन लक्षण हो, ज्ञान, क्रिया, गति।
ज्ञान क्रिया और गति जहां पर हो उसे क्या कहेंगे, चेतन। तो जीवात्मा क्या है, सत और चेतन। अब इसके पास किस चीज की कमी है, आनंद की कमी है, आनंद। इसलिए अब इसलिए जीवात्मा का स्वभाव आनंद स्वरूप नहीं है। जीवात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, सब कुछ है, लेकिन अल्पज्ञ है। क्या है, सर्वज्ञ नहीं है। तो प्रकृति का भी अपना स्वभाव है, प्रकृति का क्या स्वभाव है, केवल सत है, केवल सत है, हाँ, केवल उसकी सत्ता विद्यमान है, बस वह है। चेतन बोला नहीं, चेतनता उसमें डाली जाती है। कौन डालता है, कहीं कहीं ईश्वर, कहीं कहीं जीवात्मा। जैसे अब ये माइक है, इसमें चेतनता जीवात्मा डाल सकता है। अभी अभी त्रिलोकचंद जी ने यहां से यहां रख दिया, लेकिन ये माइक अपने आप नहीं जा सकता इधर उधर, इसको कोई इधर उधर ले जाएगा। कौन है वो ले जाने वाला, जीवात्मा। परमात्मा और जीवात्मा दोनों चेतन हैं, और इस शरीर को दो लोग चला रहे हैं, एक आत्मा और दूसरा, दोनों चला रहे हैं। सत्यनारायण जी बता सकते हैं कि इस शरीर को कहां कहां जीवात्मा चला रहा है और कहां कहां परमात्मा चला रहा है, बता सकते हैं? आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, आप लोग सही कह रहे हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा। संसार को भी परमात्मा ही चला रहा है, ये सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र को जीवात्मा थोड़ी इनको चला रहा है, ये दिन रात सब परमात्मा कर रहा है, और इस शरीर को भी परमात्मा चला रहा है। लेकिन दोनों कैसे कैसे चलाते हैं इसको समझना है। जैसे जमीन में बीज को कौन बोता है, परमात्मा नहीं बोता ना। सत्यनारायण जी समझ में आ रहा है, जमीन में बीज कौन डालता है, सत्यनारायण जी जमीन में बीज कौन डाल रहा है, इंसान में जीवात्मा, ठीक है ना। हाँ, आप सोए नहीं इसलिए बार बार प्रेशर डाल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, जीवात्मा बीज को जो है जमीन में डालता है, आ गया। अब जमीन से ऊपर कौन निकाल रहा है, ईश्वर निकाल रहा है। देख रहे हैं ना, दोनों काम का, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जमीन से ऊपर निकाल रहा है जीवात्मा। अब उस, मान लो वो गेहूं का पौधा है, तो उस गेहूं के पौधे को पका कौन रहा है, कौन पका रहा है, ईश्वर पका रहा है ना, जीवात्मा तो नहीं पका रहा है इसको। लेकिन भात कौन पकाता है, हैं, जीवात्मा पका रहा है। देखो, भात जीवात्मा पका रहा है, और गेहूं को कौन पका रहा है, धान को कौन पका रहा है, परमात्मा पका रहा है, ठीक है। अब वो धान पक गया, उस पके हुए धान को काट कौन रहा है, जीवात्मा काट रहा है, बहुत अच्छा। उसके बाद उसको चक्की में कौन डाल रहा है, जाने को, जीवात्मा डाल रहा है, बहुत अच्छा। उसके बाद आटा कौन बना रहा है, आटे में पानी कौन डाल रहा है, रोटी कौन बना रहा है, थाली में रोटी कौन रख रहा है, उस थाली की रोटी को हाथ में तोड़ के कौन ले रहा है, उस रोटी को मुंह में कौन ले जा रहा है, और जब अंदर चला गया फिर कौन कर रहा है, परमात्मा। देख रहे हो ना, जीवात्मा और परमात्मा दोनों का खेल साथ साथ चल रहा है, फिर भी लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ है, ये दुर्भाग्य है कि नहीं है। तो इसलिए गुण कर्म स्वभाव को जाने बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। कल इस प्रसंग को और गहराई में ले जाएंगे। आपने इन बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम ॐ द्यौ शान्तेरन्तरिक्षं शान्तेः पृथिवी शान्तेरापः शान्तेरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांति रेव शांति
सा मा शांति रेधि, ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। महर्षि देव दयानंद की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, ओ वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सूचना देने के लिए आज दो दो सूचनाएं हैं। पहली सूचना आप दे दीजिए। कौन सा? चंद्रमा सोसाइटी। चंद्रमा सोसाइटी 3 नंबर, 6 बजे हवन। ठीक है। और उसके बाद रात में 9 बजे से 9:45 बजे तक हर नाम दास सोसाइटी, आदरणीय श्यामलाल जी बैठे हुए हैं। 2 परिवारों में सत्संग होना है और सभी लोग पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।